अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज हम फिर व्लॉग दोबारा बना रहे हैं, एक्टिव हो गए थोड़े से। तो आज रात को हमें जाना है क्रिकेट खेलने के लिए, नाइट क्रिकेट रमदान में। आपको पता ही है क्या सीन होता है। तो आज वहाँ पे हम व्लॉग बनाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स गो। ये प्लेयर हैं और वो हमारे कैप्टन जो है ना, वो चले गए। जा बे यार, क्या ड्रॉप कर दिया है, शर्म कर यार। ड्रॉप ये आए भाई, नजफ भाई और रियान भाई आओ। शेरा को शोर मिला हो जे, ये तो मेरे मैथ मदद नहीं आ रहा। तो भाई लोग अभी हम अंदर आ चुके हैं, तो टीम से होने लगी है। सोने लगे आ जाओ वासिर जी। तो भाई तो यार टॉस हो चुका हुआ है, हमारी टीम टॉस जीत के अभी हम बैटिंग करने लगे हैं। तो यार दो ओवर हो चुके हैं, 12 रन थे मेरे से गोपाल में, सही में डिक्लेयर हो गए, मुझे 5 ही ओवर थे। ये हमारी टीम के हैं बैट्समैन रोमन पावल। हाय रोमन पावल, ये हैं मैं बाबर आजम। चुप, बिल्कुल चुप। बाबर आजम कैसी बातें कर रहे हैं यार, बाबर आजम सपोर्टर हैं हम बाबर आजम के, लेकिन खेल रहे हैं यार। एक ये हमारी टीम में है, ये तुम्हारी टीम में है, तू कौन है? क्या सुन रहा है? ये चार, बाकी ये दो बैटिंग कर रहे हैं, ये बहुत फिट प्लेयर हैं। और इस पे मैं मीम लगा दूंगा, तेरा पेट बहुत हिल रहा था। तो यार अभी ये प्लेयर हैं और वो हमारे कैप्टन जो है ना, वो चले गए। जा बे यार, क्या ड्रॉप कर दिया है, शर्म कर यार। ड्रॉप, तो ये हमारे कैप्टन आ चुके हैं आप लाइन पे। क्या कहना चाहेंगे, आपने ड्रॉप किया कैच? उसादे तू बोल रहा था बाबर आजम है, तू प्रूफ कर। बाबर आजम आ गया, आप क्या कहना चाहेंगे? ओ माय गॉड, बाबर आजम ने दो बॉलें बीट कर दी हैं। जो बॉलर हैं बहुत ही फास्ट बॉलिंग करा रहे हैं। तो यार अभी उनकी बैटिंग आ चुकी हुई है, हमने 20 रन बनाए हैं, 5 ओवर में किसके स्टैमिना देखते हैं, फेस करते हैं। अभी 4 एक ओवर रह गए हैं, तो उनके 3-4 आउट हो गए, मुश्किल ही है बने, टुक टुक लगे हुए हैं आराम से। तो ये भी लास्ट ओवर को कराएंगे आके। मेरा टीम वालों के साथ रह चुका है, ये चेक कर सकते हैं आप, अभी हम आपको बताते हैं। जगह छोटी सी है, तो कह रहे थे टीम में कर लेते, अब देखते हैं तीन टीम में अब डिवाइड करेंगे। वो ले लिया ना मोइज, टूर्नामेंट स्टार्ट कर दिए। तो टूर्नामेंट ये है कि हमारी तीन टीमें हैं, अभी टीम ए और टीम बी का मैच हो रहा है, हम टीम सी है, ये सामने चेक कर सकते हैं आप। तो यार इस पर बहुत लंबा ब्लॉग बन गया, हम बीच में भी सही टूर्नामेंट वाले काम सही है ना, जबरदस्त है। पहले ज्यादा बनने से किसी की बैटिंग आती थी, नहीं आती थी, अब इजी हो गया है। अब खाप नहीं है, अब स्पिन रखी और दिखाई डाले ऊपर जाला दिखाए, इसकी वजह से बार बार बाहर रुक जाती है फास्ट में, स्पिन रखी आप रन भी ज्यादा होगा, मजा भी है। शेरा को शोर मिला हो जाए, ये तो मेरे मैथ मजा नहीं आ रहा।
शेरा मुझे ये बताओ इनमें से कौन सी टीम जीतेगी? पक्की बात है? पक्की बात। ओके तो यार ये पहला मैच एंड होने वाला है, एक ओवर में छह बॉलों में खत्म नहीं करा बदल लिया साला। तीन पे कितना रह गया? चार। ओ बेटो छक्का, बेहतरीन छक्का, नहीं पकड़ी जाती। एक बॉल पे सात रन चाहिए, देखते हैं क्या होता है इस बॉल पे। हो गया तो यार वो बस तो हार गए, तो अभी हमारा अपने के साथ मैच है, तो देखते हैं मिलते हैं या जीतते हैं। हमारी पहले बैटिंग आई है तो वेल डन। तो ये अभी मैथ भाई आ चुके हैं पहले बैटिंग करने के लिए, तो चेक करते हैं एक ये मार। रियान भाई चले गए हैं, उनका बैटिंग आ गई उनकी माशाल्लाह, देखते हैं अब क्या करते हैं। वाह भाई बॉल कराते हुए और आउट हो गए। हमारी एक और विकेट गिर गई है, नजफ भाई आ गए हैं स्ट्राइक, देखते हैं क्या बनता है। आ गए कराते हुए बॉल, ये गया ग्राउंडेड शॉट खेली रियान भाई। रियान भाई मारनी है, ठीक है शाबा शेरा। रियान भाई ऑन स्ट्राइक, ये आए भाई नजफ भाई और रियान भाई आउट हो गए। जरा हमारी बैटिंग के लग चुके पकौड़े, क्योंकि क्योंकि टीम के भी खाना हो गए। मैं भी जो मल्टी नहीं अच्छा, वो भी अब एक प्लेयर शाम आप क्या बोलोगे सर? जाना होता है आप टीम स्कोर है बिल्कुल आपकी तरह, गजब बेइज्जती है। हाँ हम लोग का भी भेजा मैच। तो भाई साहब हम लोग जीत गए भाई, कैसी है? तो भाई हम जीत चुके हैं, अभी हमारा फाइनल मैच है, तो सीधा कर फाइनल मैच है, जीतते हैं या जीतते हैं। चलो नहीं नहीं बनाने दिया, शायद भाई ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। तो यार अभी हमने अपना मैच जीत चुके थे, तो उसका टाइम लैप्स बनाए थे, आपने देखे होंगे। तो हमारा फाइनल मैच हमारे साथ चल रहा है, तो हम बैटिंग कर रहे हैं। फाइनल है शायद भाई ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, दो तीन विकेटें कराई है, उनके बैट्समैन परेशान थे। तो भाई लोग जो शायद भाई हार पे क्या बोलेंगे, अब हार चुके हैं। उमैद भाई आप इतना गुस्सा क्यों हो गए थे? भाई उमैद भाई आप इतना गुस्सा क्यों हो गए थे यार? बस यार वो बोल्ड इतना बड़ा हुआ अंपायर की थॉट में आंखों में यानी कि नहीं डाली है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ड्रॉप्स की जरूरत थी तो उसने नहीं डाली, अब मैं सादिल बात नहीं कह रही तो उसने यानी कि नहीं डाली। बाकी आप समझ गए आपको।